Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Question number 15. Describe the important properties of enzymes. Enzyme ki different properties, important properties batani hain. Enzymes hote hain complex macromolecules with high molecular weight. Enzymes are also known as biocatalyst. Catalyst kyunki ye reaction karwate hain, accelerate karwate hain reaction ko, and bio because biochemical reactions par ye act karte hain, means they catalyze biochemical reactions. Enzymes do not start a reaction. Wo reaction start nahi karwate, but accelerate karwate hain. Ab for example, koi reaction hai, ye sirf usse badha sakta hai. Koi reaction jo hona hi nahi hai, usse ye nahi karata. Aapne pani liya, aapne usme chini dali aur usse ghol diya. Chini pani mein ghol sakti hai. Isliye agar enzyme ya biocatalyst uspe act karega, wo to chini ko jaldi ghol dega. But अगर आपने पानी में वुड डाल दिया, वुड पानी में नहीं घुलेगा, मींस ये रिएक्शन हो ही नहीं सकता. तो अगर आप जितना मर्जी इसमें एंजाइम डाल लो, वो कुछ भी नहीं करेगा रिएक्शन को. क्या करता है एंजाइम? सिर्फ एक्सेलरेट करता है, स्टार्ट नहीं करता. एंजाइम इफेक्ट द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, मींस जल्दी करवा सकता है, वेलोसिटी बढ़ा सकता है रिएक्शन की. एंड ऑल्सो डज नॉट इफेक्ट द डायरेक्शन. जिस डायरेक्शन में रिएक्शन को होना है उसी डायरेक्शन में करवाता है. अगर फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है तो फॉरवर्ड ही एक्ट करेगा, रिएक्शन को बैकवर्ड नहीं करा देगा. मींस प्रोडक्ट से सबस्ट्रेट नहीं बना देगा, हमेशा सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट ही बनाएगा. मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स हैव हाई टर्नओवर नंबर. हाई टर्नओवर नंबर होगा तो एफिशिएंसी भी ज्यादा होगी उस रिएक्शन की. टर्नओवर नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस जो कि चाहिए होते हैं टू एक्ट अपॉन बाय द एंजाइम पर मिनट, ताकि एंजाइम्स उन पे पर मिनट के हिसाब से उन पे एक्ट कर सके. एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन एक्शन. जैसे मैंने बताया कि अगर कोई रिएक्शन होना है और उसे वो एक्सेलरेट करवा सकता है, जो रिएक्शन नहीं होना वो उसे नहीं करवा सकता या स्टार्ट नहीं करवा सकता. वैसे भी एंजाइम्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होते हैं. Different enzymes, different reactions ही carry करवा सकते हैं. Enzyme activity is maximum at optimum temperature and pH. हर enzyme का एक optimum value होती है, maximum value होती है, जिसके ज़्यादा होने से या कम होने से वो reaction lower कर देती है. For example, अगर optimum temperature और optimum pH पे कोई reaction carry हो रहा है, तो reaction rate जो है वो maximum होगा. अगर टेम्परेचर को आप कम कर दो या ज्यादा कर दो तो रिएक्शन रेट भी कम हो जाएगा. सिर्फ ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी. वेलोसिटी ऑफ एन एंजाइम इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सब्सटेंस या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अंटिल इट रीचेस द मैक्सिमम वेलोसिटी.